हाय हेलो नमस्ते वनकम सत श्री अकाल वेलकम टू माय चैनल। तो मैं निकल पड़ी हूँ स्टेशन के लिए। हम लोग जा रहे थे बांद्रा स्टेशन, वहाँ से हम लोग जा रहे थे धानु विलेज। तो जैसे ही हम लोग ट्रेन में पहुँच गए, हम लोग ने हमारे फ्रेंड्स सबको मिले। एंड देन ये देखो, ये हमारा पूरा क्लास फ्रेंड क्लासमेट्स थे। तो हम सब लोग, उनमें से हमारा एक ग्रुप जो है, हम सब लोग एक साथ बैठे थे। तो हमारी ट्रेन जो है वो शुरू हो गई और ये हम सब फ्रेंड्स एक साथ बैठकर एंजॉय कर रहे थे। एज यू कैन सी एवरीबॉडी इज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू विजिट धानु विलेज। तो सुबह 9:30 की ट्रेन थी, तो जैसे ही 12:30 तक हम लोग धानु पहुंच गए विलेज। फिर स्टेशन से बाहर आने के बाद हम सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि ऑटो से सब लोग ग्रुप्स बनाकर जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर स्ट्राइक था तो हम लोग को ऑटो मिला नहीं। बट हम लोग फिर थोड़ी देर चले एंड देन हम लोग टेम्पो से हम लोग धानु जहाँ पर हमारा जो था पहुँचना था डेस्टिनेशन, हम लोग वहाँ पर जाकर पहुँच गए। तो थोड़ी देर टेम्पो में ट्रैवल करने के बाद हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए। तो टेम्पो में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि ऐसे सब चीज़ें मुंबई में एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता है। तो फिर बाद में हम लोग आ गए हमारे जो भी रूम्स था वहाँ पर, आसपास सिर्फ और सिर्फ नेचर था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, आई स्वेयर वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो ये जो है ये हमारा गर्ल्स के लिए रूम्स था, और वहाँ पर लेफ्ट साइड जो है वहाँ पर बॉयज़ के लिए सेपरेट रूम्स था। तो सब लोग फ्रेश वगैरह होने के बाद सर्स ने हमें बुलाया ताकि हमें ये बता सके कि आगे का क्या प्लान है और हमारा प्रोजेक्ट क्या है और कैसे आगे सब कुछ करना है। हम लोग अभी जा रहे हैं दलवी पाड़ा, वहाँ पर हम लोग को प्रोजेक्ट दिया है। हम लोग को हाँ बचत गट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो बेसिकली हमारा ग्रुप है। तुम्हाला कोणत्या सरकारच्या योजना शेती संदर्भात काही मिळाल्या आहेत? बाकी बियाणं घ्या, सबसिडी काही विकत घेण्यात, खतांमध्ये सरकार, ग्राम पंचायत किंवा सरकार काही मदत करत नाही? म्हणजे तुम्ही त्यांच्यापर्यंत जात नाही का, गेलं तरी देत नाही? येतच नाही। म्हणजे सरपंच वगैरे यांना तुम्ही हे केलं तरी सुद्धा नाही, वरपर्यंत बसकेत जात नाही आणि यांच्यापर्यंत ती येत नाही। जमिनीचे वाद आहेत गावात असतील? नाही। गांव में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग फटाफट जो भी था इन्फॉर्मेशन निकाल के हम लोग वापस आ गए। तो सब लोग अपना अपना नोट्स लिख रहे थे, मैंने तो ऑलरेडी लिख लिया था, तो आई वाज रियली फ्री। फिर होने के बाद हम सब लोग ऐसे बातें बातें कर रहे थे फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम सबको। तो नोट्स वगैरह लिखने के बाद हम लोग खाना खाने चले गए और फिर रूम में आकर हम लोग हमारी हॉरर स्टोरी सुनने लगे। तुझ्या स्टोरी मुळे ती जागते ना, तर तिने गोळी खाल्ली होती। तो रात को भूत की कहानियां सुनने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट 2:30 को रात को सोए। फिर सुबह हम लोग उठे 6 बजे, क्योंकि 26 जनवरी था और हम लोग को फ्लैग होस्टिंग के लिए गांव में एक स्कूल के यहाँ पर हमें जाना था। तो फिर हम लोग पहुँच गए स्कूल में। वहाँ पर काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और बहुत सारे बहुत बड़ा प्लेस था।
तो एज यू कैन सी इतने सारे सब स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सिस्टमेटिकली लाइन में सब लोग खड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गांव का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था हमारे लिए. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life. हम लोग फील्ड विजिट पर चले गए तो हमारे सर्स और जो भी गेस्ट थे वो हमें पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, क्रॉप्स के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन हमें दे रहे थे. तो वहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा बांधतात, कालांतराने ते दोन्ही झाडं एक रूप होऊन जातात आणि त्यांचं एक झाड बनत. अशा वेळेला त्यांच्यापासून होणारं प्रोडक्शन हे चांगलं होतं. तुम्ही एका झाडावर डिपेंड न राहता इथे तुम्ही काय केलं की दोन वेगळ्या वेगळ्या रोपांची जी गुणवत्ता आहे ती त्या एका फळामध्ये आणली. अशा तो पूरा फील्ड विजिट करने के बाद हम लोग यहाँ पर म्यूजियम में आए और इसमें म्यूजियम में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी. बटरफ्लाईज और फिर रियल हनी बी का वो कैसे बनाता है ना, एवरीथिंग वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया हुआ था. अरे जी ये ना ये बिया है ना शेती लावायच्या. हमारे गांव में घर में रहता ही है, डब्बे में रखते हैं, निकाल के नहीं रखते. तो हमने तो कैंप में बहुत ज्यादा एंजॉय किया. आई होप कि आप भी इस व्लॉग को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय किए होंगे. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर. Bye. Bye.